사람처럼 머리에 아! 오! 오! 네. अस्सलामुअलैकुम शपै गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपको भाई आ रहे थे एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। कल मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने बुक किया अपना स्नॉर्कलिंग टूर सुबह के तकरीबन 8:30 हुए हैं। फिलहाल हमें जल्दी से यहाँ से पहुँचना है, यहाँ से 10 मिनट दूर पियर है, वहाँ से बोट्स चलती हैं और आज हम जा रहे हैं गिली आइलैंड्स की स्नॉर्कलिंग के लिए। अच्छा, अभी 5 to 7 मिनट्स की साइकिल राइड के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं पियर के करीब, जहां से हमने टूर बुक करवाया। यहां से बोट्स जानी है, सामने बिल्कुल समंदर है। अभी इन्होंने हमें यहां पे फिन्स दी हैं, उसके अलावा स्नॉर्कलिंग गियर मिलेगा। अभी सारे कुछ बहुत तैयारियाँ हो रही हैं और फिलहाल सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हम लोगों ने स्प्रे वाला लिया था जो कि इस तरह करके आप ईजिली अप्लाई कर सकते हो। ओए होए होए यार, वेरी एक्साइटेड। अभी हम पहुँच चुके हैं, पीछे बोट्स रेडी हैं, यहाँ से निकलने लगे स्नॉर्कलिंग के लिए। ये गिली आइलैंड्स जो मैंने आपको बताया था कि 3 आइलैंड्स हैं, जिनमें से सबसे मेन है गिली टी, जिस पे मैं इस टाइम हूँ, जिस पे हम स्टे कर रहे हैं। बाकी इसका गिली मेमो और गिली एयर छोटे आइलैंड्स हैं, लेकिन बिल्कुल सामने नज़र आते हैं। वो सामने एक नज़र आ रहा है, उससे आगे एक है, तो ये तीनों का टूर करवाएंगे। तीनों पर डिफरेंट स्पॉट्स हैं, वहाँ पर स्नॉर्कलिंग होगी। अच्छा भाई, ज़रा सब्र, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे क्या होने वाला है। पहला जो स्पॉट है वो गिली टी से तकरीबन 10 मिनट बोट चलती है और पानी में एक जगह लेके जाते हैं। वहाँ पे वो कोरल्स दिखाते हैं आपको। अब ये जो गिली आइलैंड्स के जो समंदर है, जो पानी है, वो इतना ब्लू है, इतना ज्यादा, मतलब आपको ऊपर से नीचे नजर आता है। अब ये देखो, इतना क्लियर पानी है कि वो नीचे साफ कोरल्स नजर आ रहे हैं और ट्रांसपेरेंट वाटर समझ लो आप। ये इस तरह का पॉइंट है, बहुत खूबसूरत है यार। महा की पहली बार स्नॉर्कलिंग थी, मेरा ये दूसरी बार था। मैंने पहली बार थाईलैंड ट्रिप में पिछले साल किया था, तो अब मुझे स्विमिंग आती है। मेरे जहन में था कि ठीक है, महा को मतलब स्विमिंग नहीं आती, पहले स्कूलों में सीखी हुई, वो भूल गई। और जनाब को पानी से डर भी बहुत लगता है, बहुत मेरे जहन में ये था कि ठीक है। अच्छा, कि मतलब महा थोड़ा सा पैनिक होगी, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा काम और फिर हम मतलब स्नॉर्कलिंग कर पाएंगे कर पाएंगे ठीक है। अब वहां पे वो हमें लेके गए, 10 मिनट बोट चली और वो समंदर के एक पॉइंट पे हमें ले गए। वहां जाके उन्होंने हमें स्नॉर्कलिंग गियर दिया, लाइफ जैकेट्स थी। पहले मैंने गोप्रो एक हाथ में पकड़ा, क्योंकि मुझे कसम से मुझे ये था कि इतना ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। मैं गोप्रो पकड़ लूंगा, हम अच्छी अंदर वीडियो बना लेंगे, ये वो सीन है। मैंने पानी के अंदर छलांग मारी और उसके बाद मैंने महा को कहा कि आ जाओ इजी बैठो पहले उसके ऊपर, ठीक है? हाँ ओके, कम कैसे छलांग मारी है? इजी, वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी रिलैक्स। हाँ, खुद पानी में उड़ोगी, खुद पानी में उड़ोगी, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ऑनेस्टली, अगर आपको स्विमिंग आती भी है, फिर भी समंदर एक ऐसी चीज है, अगर आपका कभी इंटरेक्शन हुआ है समंदर से तो आपको पता होगा कि अच्छे अच्छों की एक दफा समंदर के अंदर देख के रूह निकल जाती है। अंदर जाओ तो डर लगती है। हाँ, एक दफा रूह निकल जाती है और वो जनाब होते। मैं कह रहा हूँ कि जरा पैनिक ना हो इतना, एक दफा देखो चीज को थोड़ा। मैं कह रहा हूँ रिलैक्स हो जाओ, अंदर देखो, देख करी तो पैनिक हो रही है। अंदर देखे बगैर ही पैनिक, अभी अंदर तो देखना दूर की बात है ना। मेरे पाँव टच हो रहे थे कोरल्स को, मुझे ऐसा फील होता था कोई चीज बस मैं गई। असल में ये फील हो रहा था महा को कि एक कोई वेव आएगी और वो समंदर में बहा के ले जाएगी, ऐसा नहीं होता। नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि बस थोड़ा सा ऐसे 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 हो गई वो गई। ये बेसिकली ये ट्रिप है ही महा के लिए, क्योंकि महा को चीजें दिखानी है सारी, तो वो मैं चाह रहा था कि एंजॉय कर पाए किसी तरह, लेकिन वो तो जनाब रिलैक्स होने का नाम ही नहीं ले रहे। चलो नीचे देखना, टाइम लगा।
ठीक है, अंदर देखो और सांस लेना है छोड़ना है, रिलैक्स। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा पैनिक ना हो, थोड़ा एक दफा रिलैक्स हो, ये लाइफ जैकेट पहनी हुई है, डूबती नहीं, ठीक है, एक बार देखो अंदर सुकून करो, मतलब डूब नहीं रही थी मैं, बस मुझे लग रहा था मैं पीछे चली जाऊंगी, पीछे चली जाऊंगी, बस इतनी देरी थी कि वो अभी एक और भी होता है, मैंने जरा थोड़ा सा एक पॉइंट पे आके 2% जनाब रिलैक्स हुए, मैं अब अंदर देख रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ, मुझे कि नीचे देखो कहकर मैं थोड़ा सा नीचे देखने लग, अगर मैंने कोशिश की, मैं नीचे देखने लगी हूँ, अभी मैंने नीचे से मुंह ऊपर उठाया तो मुझे हमजा का सर नहीं दिख रहा था। मैं समझ नहीं लगा, मैं देख रहा था, वाओ वाओ, सिर्फ 3 सेकंड ही मैंने देखा होगा अंदर, नहीं मैंने नीचे से ऊपर इस तरह किया, मुझे हमजा नहीं दिख रहे, मैंने कहा हाँ, मैंने आवाज भी दी। पानी में क्या आवाजें आती है अंदर, मेरा जब मुंह बाहर निकला मैंने देखा वहां का जो सांस लेने वाला पाइप है स्नॉर्कल का, वो हाथ में पकड़ा हुआ, नहीं भला क्या हुआ, मैंने ऊपर देखा हमजा 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 साहब कोई खबर ही नहीं, बीबी नीचे स्नॉर्कलिंग में बेशक। और नहीं मुझे पता था कि कहाँ जाना है, कहाँ पीछे गई, नहीं अभी अगल बगल वाला सीन हुआ ना जब स्टार्ट, जब मैंने पाइप अपने हाथ में देखा ना, मुझे मौत इतनी आवाज दी, मैंने कहा अब तो मैं गई। सीधी रहना ठीक है, मैं हूँ नहीं साथ। वो बोट वालों का तो सीन बताया, उनको पता चल गया कि मैं बहुत आउट हो रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि आ जाओ, उन्होंने पता चल पूरे समंदर से एक माई रोला पा रही है। एक और भी थे हमारे साथ, हाँ एक और थे, वो भी इंडियन कपल था, वो तो खैर हमसे भी बहुत ही आगे की पहुंची हुई थी, हमारे कपल में तो बस मैं ही लूजर लग रही थी ना, उसका बंदा ज्यादा लूजर था। वो पता क्या हुआ, वो ना मुझसे भी ज्यादा लूजर थे दोनों, वहाँ बोट के ऊपर करके राके चढ़ाया, फिर मैं खैर ऊपर, मैं बताती हूँ वो हम, मुझे लग रहा कि अब बस हमें ना मेरा पाइप सेट कर देंगे, मैं अपनी तरफ से इसलिए जा रही थी कि मेरा पाइप सेट करेंगे, बाद में कि चलो चिल कर दोबारा, पर नहीं उन्होंने कहा आज उन्होंने कहा जी अगले स्पॉट का टाइम हो गया, तो आप ऊपर आ जाए। अब ये जो पहला स्पॉट था कोरल्स वाला, इसमें मुझे जो अंदर का सीन याद है वो मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड का याद है, क्योंकि बाकी वहां को संभालने में टाइम लगा, लेकिन कोई मसला नहीं। दूसरा जो स्पॉट है वो वहां से भी आगे गिली मेमो आइलैंड की तरफ समंदर में जाते हैं, और वहां पे समंदर की डेप्थ जो है वो काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि काफी आपको अंदर ले जाते हैं, और उस स्पॉट पे जाके एक बहुत आइकॉनिक इंडोनेशिया का एक सीन है जो वर्ल्ड वाइड बहुत मशहूर है, जिसके लिए अक्सर लोग इंडोनेशिया आते हैं वो देखने के लिए। समंदर के अंदर इन्होंने 48 ह्यूमन कपल्स के स्टैचूज खड़े किए हैं, मतलब वो पूरे पूरे स्कल्पचर्स बना के 48 कपल्स हैं, जिनमें से कोई 8 कपल खड़े हैं और बाकी सारे इस तरह सर्कल में लेटे हुए हैं, पता नहीं 8-10 खड़े हैं कपल्स और बाकी वो इस तरह लेटे हुए। वो एक सीन है जो मतलब आपको हैरान कर देता है। पहले वाले स्पॉट पे तो सारी कहानी इस चीज में गई, दूसरे स्पॉट तक क्या सोचा, जो बाद में महा ने मुझे बताया कि मैंने ये सोचा था। हाँ, क्योंकि मुझे उस वक्त वही तो मैं बता रही हूँ ना कि उन्होंने जब हमजा को भी कहा कि आ जाए, तो मुझे बहुत, अब उस वक्त मुझे वाला तो बुरा लग ही रहा था कि मैंने आई मिस्ड, क्योंकि बहुत बहुत क्लियर था वो वाला स्पॉट। फिर सब लोग ऊपर आना शुरू हो गए और सब बैठ गए बोट में आकर, और फिर सब लोग ऐसे जोन में थे, और मैं तो आउट ऑफ द जोन उस वक्त में, मतलब मैं तो इस तरह थी कि शिट, और सारे इस तरह सोच रहे, मैंने कहा मैं इस तरह क्यों नहीं कर रही। तो मुझे बहुत बहुत बुरा फील हो रहा था कि हम आए भी हैं, स्टिल आई जस्ट कैन नॉट, मतलब मुझे बहुत बुरा फील हुआ। फिर मुझे ज्यादा गिल्टी हो रहा था कि मेरी वजह से मे बी हमजा माइट मिस वो स्टैचूज वाला सीन, और वो बहुत मेरी कह रहे, मैं तो पहले भी मतलब मैं सोच रहा था मैंने तो किया हुआ, मुझे मसला नहीं, मुझे ये था कि महा क्यों नहीं एंजॉय कर पा रही। हाँ, मुझे ये फील हो रहा था कि अब अगले स्पॉट पे जाके अगर मैंने वो किया तो ही माइट मिस वो वाला स्टैचूज का जो बहुत फेमस है, तो अपना नहीं था मुझे उस वक्त कि मैं मिस कर दूंगा, मुझे था मैंने तो करना ही है। अब उस पॉइंट पे हम जा रहे थे, वो स्टैचूज वाले पॉइंट पे, वहां पे रास्ते में जनाब ने खुद को समझाया कि करना है करना है,
वहां पे जब हम पहुंचे तो मैंने तो दुआएं अच्छी तरह पढ़ी और फूकी सब पर सब पर जो पाकिस्तान में बैठे हो ना तो भी फूकती है। हाँ, मैं सब पर बहुत दुआएं पढ़ती रही सारा टाइम और बस अपने आप को प्रिपेयर किया कि यू हैव टू डू दिस। अच्छा, ये वाला जो एक्सपीरियंस था ये महा ने किया थोड़ा तसल्ली से, मतलब थोड़ा सा पैनिक हुई लेकिन उसके बाद अंदर देख के रिलैक्स होना शुरू हुआ और फिर एंजॉय किया। स्टार्टिंग में मैं पैनिक हुई, मुझ पर मैंने हमजा को नहीं बताया कि मैं अगर अभी बता दूंगी तो फिर हमजा ने फिर से ना मतलब मेरी वजह से ज्यादा कॉन्शियस हो जाना। मैंने कहा नहीं नहीं मैं ठीक हूँ वाला सीन हुआ। तो आगे में हमारा ग्रुप ना पहले बहुत ज्यादा आगे निकल गया, तो अब हम साथ रहे और फिर वहां जब हम पहुंचे वो स्टेचू वाली जगह पर उसके बिल्कुल इस तरफ बहुत डेप्थ, मतलब वो जहाँ जहाँ उन्होंने स्टैचू खड़े किए हैं उससे बिल्कुल एक तरफ साइड पे जो है ना वो समंदर बिल्कुल ऐसे अंदर जा रहा था और उसकी कोई गहराई नजर नहीं आ रही थी। नजर नहीं आ रही थी। मैंने जब स्टैचूज को देखा ओके मैं बहुत खुश हुई, जब मैंने इस तरह देखा वो तो बहुत क्रेजी। लेकिन वो एक्सपीरियंस कैसा था, वो जो एक पीस है समंदर के अंदर वो डिफरेंट वर्ल्ड है और बहुत ज्यादा डिफरेंट था उस वक्त। फिर मैंने अपना उधर देखा, मैं बहुत डरी बहुत, एक दफा मेरी जान गई, मैंने ऊपर मुंह निकाला अपने आपको तसल्ली दी, मैंने आयतन कुर्सियां पड़ी फिर से फूकी, मैंने फिर से स्टैचूज को देखा, मैंने उधर नहीं देखा, बस मैं इधर इधर ही देखती रही। लेकिन वो तो खैर कोई और ही क्लास की वो चीज है ना, वो बहुत बहुत वो एक, मैं अगर वहां पर पैनिक करती तो मैं शायद अपने आप को कभी माफी ना करती। नहीं ये स्नॉर्कलिंग तो गई एक साइड पे, ये लड़कियां अगर व्लॉगिंग करती है तो वो कितनी कितनी लंबी वीडियोस बनाती है। चलो जी अब बता, बोल नहीं मतलब मैं तो अभी तक बोल ही कुछ नहीं पाया हूँ पूरी इसमें तो बताना भी तो है। मैंने वैसे लड़कियों का कभी व्लॉग नहीं देखा, घंटे घंटे के होते हैं, डेढ़ डेढ़ घंटे के, मतलब दिन में अगर डेढ़ घंटे उन्होंने शूट किया तो डेढ़ घंटे का व्लॉग होता है उनका। बताना नहीं है। नहीं बताना। ओए होए यार, अनरियल एक्सपीरियंस। इंडोनेशिया के समंदर, मैंने पहले थाईलैंड में स्नॉर्कलिंग की थी, बहुत खूबसूरत थी, लेकिन ये कसम से ये अनरियल है। इतना ब्लू वाटर के उसके अंदर आपको पानी के ऊपर से साफ पीछे जो है आपको वो फील अभी भी आ रही होगी, जिस तरह से वो लाइट ब्लू स्काई ब्लू लग रहा है, वो मतलब आप पानी के ऊपर से देखते तो आपको नीचे तक एंड तक नज़र आ रहा होता है, इतना साफ। और अंदर वो मैं आपको नहीं बता सकता, वो पहले भी जब मैंने स्नॉर्कलिंग की थी आपको याद होगा, वो मैंने आपको तब भी कहा था कि मैं ये एक्सपीरियंस अपनी ज़ुबान से नहीं बता सकता, वो इतना अनरियल, इतना ड्रीमी, इतना खूबसूरत है। और जो स्टैचूज थे वो आपको देख के लगता है कि ये क्या, मैं कोई या तो ख्वाब देख रहा हूँ या कोई जिस तरह कोई फिल्म देख रहा हूँ, वो इस तरह का सीन है। अभी हम लोग रुके हैं गिली मेमो पे, वो पीछे जो आइलैंड नज़र आ रहा है वो गिली टी है जहाँ से हम आए हैं, और ये है गिली मेमो, बिल्कुल पास पास हैं ये सारे। खैर भाई, ये स्टैचूज वाला जो सीन था इसके बारे में मैंने सुना भी हुआ था, पिक्चर्स भी देखी हुई थी, वीडियोस भी देखी हुई थी उनके अंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन जिस तरह आपको ये वीडियो देख के लगा होगा, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जो आपने अभी वीडियो में सीन देखे हैं इससे कोई हज़ार गुना ज़्यादा अनरियल, हज़ार गुना ज़्यादा ड्रीमी, हज़ार गुना ज़्यादा आप फील करते हो कि अल्लाह ताला ने क्या क्या दुनिया है, ये बंदे को नहीं समझ आती, पॉसिबल ही नहीं है कि आप समझ पाओ कि एक पानी की वो जो एक शीट है उसके अंदर क्या दुनिया है और उससे ऊपर क्या हसल बसल, ऊपर जहाज उड़ रहे हैं, सड़कों पे गाड़ियां चल रही हैं, लोग लड़ रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं,
बदयांतियाँ कर रहे हैं, गलत चीज़ें हो रही हैं, अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। समंदर के अंदर आपको लगता है कि वो कुछ और है, वो कोई दुनिया और है। तो अभी सोचो कि अल्लाह ताला ने किस मतलब क्या बनाया हुआ है, जो हमने तो इतना सा पार्ट देखा है ये दुनिया का। अभी बड़े बड़े दुनिया के साइंसदान, नासा, ये वो रिसर्च कर रहे हैं। अभी रिसेंटली पिक्चर्स आई हैं जो यूनिवर्स की, आप लोगों ने शायद देखी हो, कितनी बड़ी कायनात है और उसके अंदर इतनी सी ये दुनिया है जिसका इतना सा ये समंदर है जो हमें लगता है बहुत है। और हम अपने आप को क्या चीज़ समझते हैं, कसम से अगर आप कभी समंदर के अंदर जाओ या फॉर एग्जांपल किसी फ्लाइट में हो और समंदर के ऊपर से जहाज गुजर रहा है और नीचे आपको एक ओशन नजर आ रहा है, तो वहां बंदा फील करता है कि कोई औकात नहीं है, कि मतलब आपको ये समंदर एक नैनो सेकेंड के अंदर गर्क कर सकता है कि दोबारा तुम्हारा कभी बाल भी नहीं मिलेगा किसी को। इंसान इतनी सी चीज़ है, लेकिन इंसान तो इंसान है, वो फन्ने खां बना रहता है और उसको लगता है कि वो बहुत बड़ी चीज़ है और वो ही सब कुछ है। तो ये गलत फहमी है जिसके साथ हम जी रहे हैं, जिस गलत फहमी को हमें साइड पे करना चाहिए। ये चीज़ें जो ट्रेवल है, जो दुनिया है, अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह की शान है, ये आपको बताती है कि तुम कुछ नहीं हो। तो बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी ज़रा तमीज़ से गुजारो और चले। इस टूर का लास्ट स्पॉट होता है गिली एयर, जिस तरह मैंने आपको पूरी वीडियो में बताया कि ये तीन आइलैंड्स हैं, गिली आइलैंड्स, गिली टी, गिली मेमो, गिली एयर। अब ये गिली एयर पे रुकते हैं जहाँ पे लंच होता है, बड़ा खूबसूरत सा एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, साथ गार्डन है। गिली मेमो जो है वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, गिली एयर फिर भी डेवलप है। यहाँ पे ये देखो लोग जो है वो अपनी साइकिल्स लेके फिर रहे हैं, यहाँ पे कुछ रिजॉर्ट्स बने हुए हैं। ये काफ़ी रिलैक्सिंग है गिली एयर जो है। अगर आपको बिल्कुल हसल बसल नहीं चाहिए, थोड़े बहुत बार्स रेस्टोरेंट चाहिए और एक सिर्फ आइलैंड की बीच चाहिए खाली, तो गिली एयर आपके लिए। लेकिन 80% लोग जो हैं वो गिली टी पे स्टे करते हैं और उस तरह फिर इसको देखने के लिए आते हैं जिस तरह हम आए। तो अभी हमारी स्नॉर्कलिंग डन, बहुत रिलैक्सिंग था। मैं तो खाना शाना खा के, सैंडविच खाए हमने, चिकन वो खा के मैं सो गया था वहाँ पे टेबल पे। अब हम वापस निकलने लगे गिली टी की तरफ। ये हमारे गाइड थे आज साथ।